नेज़ल एंडोस्कोपी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स परफॉर्म इन एन ई एन टी इज़ नेजल एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन नेज़ल एंडोस्कोपी यानी कि टेलीस्कोप या एंडोस्कोप के जरिए नाक की जांच करना और पता करना नाक में क्या प्रॉब्लम है अगर आपकी नाक में ब्लॉकेज है सांस लेने में तकलीफ है छीकें आती हैं नाक से पानी आता है अगर एक तरफ से नाक से क्लियर डिस्चार्ज आता है अगर आपके नाक में पस है अगर आप नाक से बिल्कुल सांस नहीं ले पाते और मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है अगर आपके चीक्स में पेन है अगर आपको हेडेक है इन सब चीज़ों के लिए बीमारी की सही जांच करने के लिए नेज़ल एंडोस्कोपी की जाती है नेज़ल एंडोस्कोपी हेल्प्स अस टू डायग्नोज नेज़ल सेप्टल डिवियशंस टर्बिनेट हाइपोट्रोफीज़ If possible, a conca bullosa or an enlarged middle turbinate, presence of pus in the sinuses, presence of polyps, presence of growth, presence of adenoid enlargement or not, तो जितना भी नाक और नाक के पीछे का हिस्सा, जाने कि nose and nasopharynx में problems होती हैं, वो हम nasal endoscopy से judge कर पाते हैं, और आजकल क्योंकि यूस्टेशन ट्यूब के ऊपर काफ़ी हमारा इंटरेस्ट आया है ईयर ब्लॉकेज और यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन का तो नेजल एंडोस्कोपी में यूस्टेशन ट्यूब फंक्शन भी हम जज करते हैं और उसको देखते हैं कि यूस्टेशन ट्यूब ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं नेज़ल एंडोस्कोपी इज़ नॉर्मली डन अंडर लोकल और टॉपिकल एनेस्थीजिया नेज़ल एंडोस्कोपी ज़्यादातर एक ओपीडी प्रोसीजर है जहाँ पर आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट नाक में स्प्रे लगा के एग्जामिन करते हैं कभी कभी इस प्रोसीजर को एंडोस्कोपी थिएटर या किसी और प्रोसीजर रूम में भी किया जा सकता है डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर फैसिलिटी के ऊपर और डॉक्टर की पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर नेज़ल एंडोस्कोपी नॉर्मली तीन पासिस में होती है वो आपके ई स्पेशलिस्ट और सर्जन को पता होता है फर्स्ट पास सेकेंड पास थर्ड पास इनमें अच्छी तरह से ये सारे के सारे टिश्यूज़ और पैथोलॉजी को एग्जामिन किया जाता है और पता करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है किसी भी चीज़ में कोई कटिंग नहीं होती किसी भी चीज़ में कोई जीरा नहीं मारा जाता और खाली एक एग्जामिनेशन का एक ज़रिया है जिसे हम पता करते हैं कि आपकी नाक पैरानीजल साइनसेज एंड आपके नेजो नेज़ोफेरिंगस जहाँ पर एडेनोइड होता है आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं नेजल एंडोस्कोपी से पहले शायद कभी कभी आपके ई स्पेशलिस्ट आपको एक सी स्कैन कराने को बोलेंगे सी स्कैन के ज़रिए उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके जरिए उनकी एंडोस्कोपी और फोकस्ड रहती है नेज़ल एंडोस्कोपी इज़ नॉट नेसेसरली अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इट कैन ऑल्सो बी अ थेराप्यूटिक प्रोसीजर सो नेजल एंडोस्कोपी so, डायग्नोस्टिक तब करते हैं अगर हमने कुछ जाँच करनी होती है और कभी कभी अगर कोई ट्यूमर है या कोई ऐसी स्वेलिंग है तो उसका हम एक टुकड़ा ले जांच के लिए भेज सकते हैं विच इज़ लाइक अ बायोप्सी और कभी कभी आपके नोज़ में अगर ब्लीडिंग होती है तो नेजल एंडोस्कोपी के जरिए हम ब्लीडर आइडेंटिफाई करते हैं और एंडोस्कोप के ज़रिए ही हम उस ब्लीडर को क्वॉटराइज़ करके सील कर देते हैं उस ब्लड बेसल को ताकि आपकी नोज़ से खून आना बंद हो जाए कभी कभी आपके साइनस में अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हैं उनको ड्रेन करने के लिए हम नेज़ल एंडोस्कोपी से ड्रेन करते हैं कभी कभी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी रेगुलर नेजल एंडोस्कोपी करके हम एग्जामिन करके जो जो आपके सिक्रीशंस वगैरह हैं क्रस्ट फॉर्मेशन हैं ब्लड क्लॉट्स हैं वो सब क्लीन करके साफ करके आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं सो नेजल एंडोस्कोपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर इट्स अ रेगुलर प्रोसीजर इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर एंड इट इज़ कॉमनली परफॉर्म्ड इन एन ई एन टी ओ पी डी सेटिंग